नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मिर्जा चौकी से है, जहां 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी को बिजली के खंभे में बांधकर ग्रामीणों ने पीटा। इन दिनों कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है, मासूमों से अत्याचार का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अभी दुमका के अंकिता का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि साहिबगंज में एक 8 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण ने आरोपी को पोल में बांधकर पीटा एवं पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश व्यक्त है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मंगलवार को तीज व्रत के लिए पीड़ित बच्ची की मां ने अपने पारिवारिक ब्राह्मण पीरपैंती थाना क्षेत्र स्थित सलीमपुर निवासी विमल कांत ठाकुर के 26 वर्षीय पुत्र मुकेश उर्फ मुकुंद ठाकुर को अपने घर पूजा के लिए बुलाया था। पीड़ित की मां पूजा अर्चना की सामग्री लेने मिर्जा चौकी बाजार गई हुई थी और उसके पिता बीमार होने की वजह से घर के पीछे वाले रूम में सोया हुआ था। बच्ची को अकेला देख पंडित ने उक्त बच्ची का मुंह दबाकर गंदे नियत से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब बच्ची रोने और चिल्लाने लगी तो पंडित उसे छोड़ घर से भागने लगा। उसी वक्त पीड़ित की मां पूजा सामग्री लेकर घर आ गई। बच्ची ने अपने मां से पंडित के द्वारा किया गया छेड़छाड़ के बारे में रोते हुए बताया तो पीड़ित की मां ने ग्रामीणों को बुलाकर पंडित को पकड़वाया और गांव के प्रधान के पास ले गया और गांव वाले ने मिलकर पंडित की जमकर धुनाई कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक प्रसाद दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर पंडित को थाना लाया और पूछताछ कर पुलिस अभिरक्षा में पंडित को मेडिकल सहित चाचा उपचार करवाने हेतु सदर अस्पताल साहिबगंज भेजा गया है। घटना की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गया और लोगों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में पीड़ित की मां ने क्या बताया, यह आप स्वयं सुने। रिपोर्ट स्टार अभी तक टीम साहिबगंज झारखंड। क्या मामला था? मामला था कि सवेरे 8 बजे हम फोन किए थे कि तीज का पूजा कराने के लिए, और 2-3 साल पहले हमारे घर में पूजा उजा करता था, तो बगल वाली दीदी बोली कि सो बुला दीजिए, हम लोग घर में ही कथा सुन लेंगे। तो फोन किए ना तो बोला कि हम मिर्जा चौकी में ही हैं। तो हम उसको बोले कि बोला कि हम 1 बजे आएंगे। हम बोले 1 बजे नहीं, 4 बजे आइएगा। तो बोला ठीक है, फोन हम काट दिए। उसके बाद हम 10 बजे निकल गए थोड़ा सा मार्केट सामान लाने के लिए पूजा का। तो 10 हम मोबाइल लेके नहीं गए, मोबाइल चार्ज नहीं था, तो हम वही घर में लगा दिए। और आगे में हॉल रूम है, मील है उसमें, और बच्ची का पापा का तबीयत खराब था रात से ना, तो वो सो गए थे। अच्छा। सोने के बाद मैंने घर में लेटे हुए थे तो उनको नींद लग गया था। ये बच्ची खेल रही थी, बगल का 2 बच्चा भी था। तो हम बोले बेटा खेलना, हम आएंगे आधा घंटा में सामान लेके। तो ये बोली ठीक है, और आज स्कूल भी नहीं गई थी, मेरा बेटा है वो तो स्कूल चल गया था। तब जब हम वहाँ से आए, हमको भीड़ था दुकान में तो था, लेट हो गया। जब हम वहाँ से आए तो ये पूरा मने रो रही है, और इसका पापा उधर बात कर रहे थे। तो उनको कुछ पता नहीं है, नहीं बोली है पापा से अपना। हमको बोलती है कि मम्मी पंडित जी को काहे बुलाते हैं, आपको दूसरा पंडित जी नहीं है? हम बोले कि ये बात काहे बच्ची बोल रही है। तो हम उससे पूछने लगे तो पूरा रोने लगी, रो रो के तब सारा बात हमको बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। और तो हम बोले पापा को नहीं बोली, तो बोले कि पापा को हम चिल्लाने वाले थे तो मेरा मुंह दाब दिया।